ओके, सो फर्स्ट स्टेप जो है वो ये होगी कि आप चार्जिंग के टाइम पे अनेबल कर दो अपने फोन के अंदर एयरप्लेन मोड या फिर फ्लाइट मोड, जो कि सभी फोन्स के अंदर होता है। तो वो अगर आप अनेबल कर दोगे तो आपके फोन की जो चार्जिंग स्पीड है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि एयरप्लेन मोड ऑन करने से आपका जो नेटवर्क है, आपका जो ऑपरेटर है, आपकी जो सिम है, वो काम करना बंद कर देगी। बेसिकली वो जो नेटवर्क से कनेक्टेड रहती है उससे वो डिसकनेक्ट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, क्योंकि अगर आपका फोन बार बार सिग्नल लेता रहता है, नेटवर्क से कनेक्ट होता रहता है, और आपका जो टावर है, आपका जो सिग्नल है, वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो उससे बैटरी जो है आपके फोन की वो बहुत ड्रेन होती है और वो चार्ज भी स्लो होती है। और अगर आप कोई ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पे नेटवर्क बहुत कम आता है, आपका आपके जो सिम है उस पर नेटवर्क बहुत कम आता है, या फिर जो सिग्नल्स हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको एयरप्लेन मोड अनेबल करना चाहिए चार्जिंग के टाइम पे, क्योंकि ऊपर नीचे बार बार सिग्नल के होने से जो बैटरी है वो बहुत ज्यादा ड्रेन होती है और चार्जिंग अगेन बहुत धीरे हो जाती है। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आप चार्जिंग के टाइम पे अपने फोन को स्विच ऑफ कर दो। तो फर्स्ट जो था वो ये था कि आप एयरप्लेन मोड ऑन कर लो, वो उनके लिए जो अपने फोन को किसी वजह से ऑफ नहीं कर सकते हैं या फिर उन्हें यूज करना है चार्जिंग के टाइम पे, तो उनके लिए है कि वो एयरप्लेन मोड यूज कर लें। बट अगर आप अपने फोन को स्विच ऑफ कर दोगे चार्जिंग के टाइम पे, तो ऑब्वियसली आपका फोन जो है वो बहुत ही तेज चार्ज होगा। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि अगर आप यूज करते हो अपने फोन के साथ में केस को, बैक कवर को, बेसिकली अगर अपने फोन के साथ यूज करते हो आप अपने फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो चार्जिंग के टाइम पे आप अपने फोन का बैक कवर जो है उसे आप हटा दो, उससे भी आपके फोन की चार्जिंग स्पीड पे फर्क पड़ता है। ऐसा क्यों है कि ऑलमोस्ट आजकल सभी फोन्स जो है वो आते हैं लिथियम आयन बैटरीज के साथ में, और उनके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि वो ज्यादा तेज चार्ज होती है या फिर वो और ज्यादा एफिशिएंसी से चार्ज होती है जब वो कूल है, बैटरी जो है वो कूल सी है या फिर वो ज्यादा गर्म नहीं है, तो वो और ज्यादा तेज चार्ज होती है। बट अगर आप यूज करोगे बैक कवर को, तो जो एम्बियंट टेम्परेचर है बैटरी के आसपास का वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उससे भी आपकी फोन की चार्जिंग स्पीड पे फर्क पड़ेगा। तो डेफिनेटली अपने फोन के आप बैक कवर को हटा दो चार्जिंग के टाइम पे, और फिर आपका फोन जो है उसकी चार्जिंग स्पीड पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आपको मेक श्योर करना है कि आपके फोन के अंदर चार्ज मोड जो है वो अनेबल्ड है। तो ये बेसिकली हिडन होता है आपके फोन की सेटिंग्स के अंदर, तो उसके लिए आपको अपने फोन की सेटिंग्स में जाना है, देन आपको अपने फोन के अबाउट डिवाइस में जाना है, और वहां पे आपको बिल्ड नंबर को 7 times टैप करना है, और फिर आपके फोन के अंदर डेवलपर ऑप्शंस जो है वो अनेबल हो जाएंगे और वो आपके फोन के सेटिंग्स में आ जाएंगे। तो आपको डेवलपर ऑप्शंस के अंदर जाना है, वहां पे आपको एक ऑप्शन ढूंढना है, यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन नाम से वो ऑप्शन होगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है, देन वहां पे बाय डिफॉल्ट जो है वो MTP सेट होगा, उसको आपको हटा के चार्जिंग जो टॉप पे होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है, और फिर वो आपको वहां पे सेट करना है USB कॉन्फ़िगरेशन में। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आप अपने फोन को लैपटॉप से चार्ज मत करो, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ता है, आपका फोन जो है वो बहुत ही धीरे चार्ज होगा। एंड सेम विद कार, अगर अपने फोन को आप चार्ज करते हो कार में, तो वो भी सेम चीज है, लैपटॉप में या फिर कार से अगर आप चार्ज करते हो अपने फोन को, तो वो बहुत ही ज्यादा धीरे चार्ज होने वाला है, क्योंकि वहां पे जो वोल्टेज होती है वो बहुत ही कम होती है, और उस वजह से आपका फोन जो है बहुत धीरे चार्ज होगा। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आप पावर बैंक यूज कर लो, कोई भी सॉकेट यूज कर लो, या फिर इवन 3 pins यूज कर लो, बट अगर आप यूज करते हो लैपटॉप से चार्ज कर रहे हो या फिर कार में चार्ज कर रहे हो, तो आपका फोन जो है वो बहुत ही ज्यादा धीरे चार्ज होगा। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आप कोई भी XYZ फालतू चार्जर्स या फिर केबल्स यूज मत करो अपने फोन को चार्ज करने के लिए, उससे आपके फोन की चार्जिंग स्पीड पे बहुत फर्क पड़ता है। क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ वही चार्जर यूज करो जो आपके फोन के बॉक्स के अंदर आता है, आप कोई भी चार्जर यूज कर सकते हो, कोई भी ब्रांडेड चार्जर, अच्छे ब्रांड का चार्जर और केबल को अपने फोन को चार्ज करने के लिए। बट आजकल मैं देखता हूं बहुत से लोग हैं कोई भी आसपास की दुकान से गंदा सा XYZ लोकल चार्जर ले आते हैं और चार्ज करते हैं उससे अपने फोन को, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है आपके फोन की चार्जिंग स्पीड पे। और कई लोग तो ऐसे भी करते हैं कि चार्जर तो वही होता है ओरिजिनल, बट केबल कोई भी ले आते हैं नकली सी, ये सोच के कि केबल से कोई फर्क पड़ता ही नहीं कुछ भी, बट केबल से भी बहुत फर्क पड़ता है। केबल भी एक मेन फैक्टर है आपके फोन की चार्जिंग स्पीड पे। अगर आप कोई भी लोकल चार्जर यूज करोगे तो आपके फोन की बैटरी भी खराब हो सकती है, तो कोई भी फालतू चार्जर या फिर केबल यूज मत करो अपने फोन को चार्ज करने के लिए। सो यार गाइस, यही थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनका यूज करके आप अपने फोन की चार्जिंग स्पीड को थोड़ा सा